ये लीजिए, आप सबकी डिमांड पर ले आई हूँ मैं व्हिपिंग क्रीम की रेसिपी। तो इसमें एक कप दूध लीजिए और एक कप चीनी और एक चम्मच लेना मैदा। इसको अच्छे से मिक्स कर लो और इसे हम करेंगे कुक जब तक ये थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी ना हो जाए। इसके बाद जब ये गाढ़ी हो जाए ना तो कुकिंग प्रोसेस बंद करके इसे कंटेनर में भर दीजिए और इसे ढक के रख दीजिए। कोई भी लेयर नहीं आनी चाहिए उसके ऊपर। अब लेंगे बटर, मैंने 50 ग्राम बटर लिया है। आप अनसॉल्टेड बटर का ही यूज़ कीजिएगा क्योंकि मैंने इस बटर से बनाया तो टेस्ट तो अच्छा था लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ रहा था इसलिए। इसको फेंटेंगे और 2 से 3 बार इसे फ्रीज में रख देंगे ताकि ज़्यादा मेल्टिंग ना हो। आप देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है फेंटते फेंटते। अब इसमें एक एक चम्मच करके हम डालेंगे चीनी, दूध और मैदे वाला जो हमने मिश्रण बनाया था ना वो, और इसे फेंटते रहेंगे। हाँ, ज़्यादा मत फेंटिएगा वरना इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा इसलिए। इसके बाद देख सकते हो स्टीव पीक आ चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर और थोड़ा सा इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कॉमेंट करना, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी।